हे गाइस, मैं नेम सेल्फ लेजेंड के और आप लोगों का वेलकम है मेरी माइनक्राफ्ट की सर्वाइवल सीरीज के दूसरे एपिसोड में। सो गाइस, मेरी जैसे कि आप लोगों को लास्ट वाली वीडियो में याद होगा कि मैंने एक अपना प्लेटफॉर्म ये हाउस के लिए बना लिया था और मेरी स्किन आप लोग एक बार चेकआउट करो। मान ली ना भाई, ये मैंने न्यू स्किन बनाई है, आप लोग देख लेना, सही है ना। और ये मैंने जो लास्ट वाली वीडियो में एक आइलैंड अपना बनाया था जिसके ऊपर मैंने अपना हाउस बनाने का डिसाइड किया था और मैंने इसको थोड़ा और इंक्रीज कर दिया, जैसे कि वाला बॉर्डर आप देख लो इधर से थोड़ा सा मैंने और कर दिया है, जैसे साइज़ को खींच गया क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा छोटा पड़ रहा था, लग रहा था मुझे छोटा नहीं पड़ रहा था मुझे लगा, तो मैंने इसको थोड़ा और बड़ा कर दिया इस साइड से भी। और काफ़ी ज़्यादा हद तक डर्ट अभी ग्रास में कन्वर्ट हो चुकी है आप देख सकते हो, और ये बैक साइड पे भी मैंने थोड़ा और इसको खींच दिया तीन ब्लॉक और। और अभी चलना है आज की वीडियो में, हमने बनाना है अपना घर, और घर बनाने के लिए मुझे सबसे पहले चाहिए होगी वुड वगैरह। और मैं इस साइड पे आया था क्योंकि मुझे यहाँ पे एक चीज़ मिली थी, शायद एक जगह मिली थी, कोई अजीब सा ट्री था नहीं है, चलो गाइस छोड़ो उस चीज़ को फिलहाल के लिए। आज की वीडियो में हमने बनाना है अपना हाउस कंप्लीट करना है, उसके लिए आइलैंड जो हमने बनाया था ये काफ़ी हद तक सही हो चुका है। और अभी हमने बनाना है अपना हाउस, जिसके लिए सबसे पहले चाहिए होगी वुड, और वुड लेने के लिए मुझे चाहिए होगी ट्रियोमेट्री को लेने जाऊँगा जल्दी से, मेरे पास डर्ट भी काफ़ी सारी पड़ी हुई है ऑलरेडी, और मैं एक्स लेके जल्दी से चलूँ थोड़ी सी वुड कट करके आऊँ, प्लैक्स बनाने और उसके बाद अपना घर बनाऊंगा। और मैंने आयरन की पिकैक्स गाइस ऐसे बनाई थी, ये ना बोलना कि भाई चीटिंग की गाइस, ये मैंने बनाई थी, मुझे वो लाइटनिंग क्या 33 एक केव में जाते हुए दिखा, मैंने कहा इसका पीछा करता हूँ, और जब मैंने पीछा किया तो वो नीचे चला गया, तो मैंने कहा जाने दो भाई क्योंकि यार पता नहीं भाई लाइटनिंग तो काफ़ी ज़्यादा आयरन के आर्मर पे शिफ्ट हो चुका है और मैं अभी तक नंगा घूम रहा हूँ, तो इसलिए मुझे आज की वीडियो में कल अगली वीडियो में हम आयरन का अपना आर्मर वगैरह भी कुछ बनाएंगे और स्टोन की एक्स बना लेता हूँ, वुड की एक्स सही नहीं है। और गाइस आप लोग अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दो, और वीडियो को शेयर करके कमेंट करना भी मत भूलना। सो गाइस फाइनली 28 प्लैंक्स में लेके आ चुका हूँ जंगल वाली वुड के, और अभी काफ़ी हद तक और ज़्यादा हमारी ये बन चुकी है, कन्वर्ट हो चुकी है डेड ग्रास में। और अभी मैं यहाँ पे एक बाउंड्री बनाऊँगा गाइस, जिसके ऊपर मैं वॉल बनाऊँगा, सो बाउंड्री बनाना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से ज़्यादा लंबी नहीं होगी बाउंड्री, इतना काफ़ी है। ओके अभी इसमें प्लैंक्स भर देते हैं, ये हो गया। अभी जो साइड की दूसरी वॉल है उसके लिए इस साइड से स्टार्ट करते हैं, ये थोड़ा लंबा होगा पीछे के साइड से। ओके ये भी हो गया, शायद बराबर है गाइस, मुझे सही से समझ ही नहीं आ रहा है। और यहाँ से थोड़ा और पीछे कर लेते हैं, थोड़े और मेरे से ब्लॉक्स टूट गए। स्टार्टिंग के लिए हम गाइस एक छोटा सा घर बनाएंगे, छोटा पड़ जाएगा गाइस क्योंकि मैं सोच रहा हूँ ना, अभी जो मेरे माइंड में चल रहा है घर का डिज़ाइन उस हिसाब से बहुत छोटा बन जाएगा घर। और ये इसको यहाँ तक खींचा पीछे और लंबा हो गया, ये इसका काफ़ी ज़्यादा हद तक हो गया। अभी फिर से इसमें हमने भरने प्लैंक्स, और प्लैंक्स ख़त्म हो गए, और ज़्यादा प्लैंक्स चाहिए होंगे, जल्दी से गाइस मैं लेके आता हूँ और ज़्यादा प्लैंक्स। मैं अपने घर के करीब वाले जो ट्री हैं वो नहीं तोड़ूँगा, दूर है थोड़े थोड़े जो डिस्टेंस के बाहर हैं उनको तोड़ूंगा, क्योंकि तो जो ट्रीज हैं ना वो चारों तरफ अच्छे लगते हैं, इस वजह से थोड़ी नेचर लुक आती है, तो इसलिए कितने हो गए 7 एक कितने प्लैंक्स बन जाएंगे 28, फिर से 28 बने, लास्ट बार भी 28 इस बार भी। अब यहाँ पे लगाना है, क्या यार मैं फालतू के वेस्ट कर रहा हूँ इतने ब्लॉक, इतनी मुश्किल से आते हैं, और ये बीच में तोड़ देता है, फ्लोर लगाएंगे यहाँ पे, पता नहीं मुझे घर काफ़ी ज़्यादा छोटा लग रहा है देखने से भी। खैर कोई बात नहीं गाइस, जल्दी से अभी इन सबको हम जल्दी इन सबको फ्लोर को हम तोड़ देते हैं। यार ये बारिश क्यों शुरू होती है गाइस, आप लोगों को लिटरली बोलूँगा, जब मैंने वीडियो स्टार्ट नहीं की थी तब से लेकर
तब से लेकर अभी तक कब कोई बारिश नहीं हो रही थी। अभी वीडियो स्टार्ट की तब बारिश स्टार्ट, जब मैं आयरन की पिकैक्स बनाने गया ना आयरन मोर मुझे मिले तब भी बारिश स्टार्ट नहीं थी भाई। वीडियो के साथ नहीं बारिश को पता नहीं क्या झंझट होता है। अभी बारिश हुई है और अभी यहाँ से थोड़े और प्लैंक्स लगा लेते हैं और अभी फ्लोर बनाने की बारी। फ्लोर गाइस मैं एक काम करूँगा, ये जो हमारी नॉर्मल वुड होती है ना, ये जो मैं भी लगा रहा हूँ जिसका मैंने बाउंड्री बनाई है, इस वाले प्लैंक्स की मैं नहीं बनाऊँगा, मैं बनाऊँगा ओक वाले, ओक वुड की। तो गाइस क्योंकि जो एक जैसा वॉल और फ्लोर सब एक जैसा होगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना, तो अच्छा लगने के लिए हमने ये वाले बना लेते हैं। कितने हो गए, 26 प्लैंक्स बन चुके हैं और अभी फ्लोर भर देते हैं इससे ना ज़्यादा, 1 2 3 4 5 6। तो इस फाइनली कितनी बार बोलता हूँ यार मैं फाइनली। तो गाइस अभी यहाँ पे बन चुका है टोटली, फिर से प्लैंक्स कम पड़ गए यार, पता नहीं इतने प्लैंक्स लाता हूँ, मैं सोचा था भाई 30 या 40 प्लैंक्स का काम होगा, कितने प्लैंक्स लग रहे हैं, और ज़्यादा लाने पड़ेंगे। शीप हेलो, ये वाला ट्री है इससे माइन करते हैं भाई। ये कैसा ट्री है, आधा कटा हुआ है पहली सी, ये तो ये वाला ले लेते हैं जल्दी से। फिर हमने बनाना है अपना आधा फ्लोर जो रह गया उसको फिर से बनाना पड़ेगा, जल्दी जल्दी चलते हैं जल्दी। ये भी तोड़ दिया है, ये भी तोड़ दिया। तो गाइस एक और ट्री मैंने टोटल तोड़ दिया, अभी काफ़ी ज़्यादा प्लैंक्स बन जाएंगे इस बार तो आई गैस। और जल्दी से मैं बना लेता हूँ भाई, ये बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, कब से चल रही है। और कितने प्लैंक्स बनेंगे, तकरीबन 56 बन गए, जल्दी इतना तो हो ही जाएगा, इतने में बन जाएगा ये भी। और फाइनली लास्ट के 6 ब्लॉक और 3 2 1, फाइनली हमारा घर का फ्लोर रेडी हो चुका है और बाउंड्री। अभी वॉल की बारी, वॉल से बनाऊँगा मैं। और इतना छोटा घर हमारा काफ़ी है, छोटा भी जैसे मीडियम साइज से ही, इतना घर ज़्यादा बड़ा भी नहीं चाहिए। और अभी इतना इधर से आगे तक लेकर चलता हूँ वॉल, ओके। तो अभी बनाना स्टार्ट करता हूँ, इधर मैं एक काम करूँगा बीच में थोड़ा छोड़ दूँगा खुला, इधर मैं कुछ ना कुछ तो बनाऊँगा, जैसे कोई गार्डन का जाने का दरवाज़ा ऐसा कुछ बनाऊँगा मैं, पीछे कोई निकलने का दूसरा रास्ता। और अभी वॉल बनाना स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे डोर भी बनाऊँगा एक मेन गेट। या प्लैंक्स ख़त्म बहुत हो रहे हैं, कितने प्लैंक्स लाया था। सो ओके गाइस, अभी आते आते मुझे सारे प्लैंक्स लाते हुए रात हो चुकी है। और कितने लाए हूँ इस बार, ये स्पाइडर यार इधर कहाँ से स्पॉन हो गई है, मर जा भाई स्पाइडर। सो अभी भाई सुबह से बारिश स्टार्ट है, अभी तक रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। कितने प्लैंक्स इस बार अच्छे खासे बन जाएंगे और काफ़ी हद तक सही हमारा घर कंप्लीट हो जाएगा इतने में आई गेस। ये भी पीछे की वॉल ऐसे ऐसे और ऐसे, जल्दी जल्दी मैं कंप्लीट कर लूँ। ये कौन था काला काला, इतना लंबू कौन था भाई, ये लंबा भाई पता नहीं कौन से मॉब है आई गेस, ये एंडरमैन था। एंडरमैन मैंने सुना है दिखने में लंबा होता है काफ़ी ज़्यादा। और ये लास्ट यहाँ पे डोर लग जाएगा और प्लैंक्स ख़त्म हो गए। यस प्लैंक्स नहीं नहीं पड़े, प्लैंक्स ख़त्म हो गए थे, मैं डर गया, फिर से जाना पड़ेगा रात में। और इधर मैं थोड़ा खींच के और लंबा दरवाज़ा यहाँ से थोड़े और तोड़ के और लंबा कर लूँगा दरवाज़ा, यहाँ पे बनाऊँगा जो मैं गेट, उसलिए काफ़ी अच्छा लगना चाहिए दिखने में। इधर से ये भी तोड़ दूँगा, अब सही है, अब सही लग रहा है। और इधर एक छोटी सी खुला रहने दूँगा विंडो जैसा लगे। और क्या ये कौन है, ये कौन है चमकीली आंखों वाला ज़ॉम्बी, इधर आया ज़ॉम्बी, इसने बहुत मार परेशान करके रखा है। नहीं यार छोड़ो भाई, नहीं मारो नहीं मारो भाई, मर चुका हूँ इतनी बार पहले ही मैं। और सारा आई गेस कंप्लीट हो चुका है यार, ज़ॉम्बी से बचने के लिए ना आखिरी चारा है डर्ट वगैरह लगा दूँ, सारा सील कर दूँ अपना घर, क्योंकि ये लोग नहीं भाई मार देंगे आके यार, बार बार सारा सामान मेरा डिस्पॉन हो जाए, इस बार काफ़ी सही सामान है। और अभी क्या करूँ, ये ज़ॉम्बीज तो छोड़ेंगे ही नहीं जान, सुबह होने में भी टाइम में। जब तक मैं काम करता हूँ इस घर की जो रूफ़ है उसको बनाता हूँ, जंगल की बनाऊँ
नो यार, ओके सही है गाइस। अभी ओक की छत पर आना स्टार्ट करता हूँ, इधर से ऐसे ऐसे बन गया इतना। अभी और थोड़ा सा बनाना है, ठीक है। समझ लो हमारा हाउस 50% रेडी हो चुका है। अब इस अंदर थोड़ा डेकोरेशन का हमने सिस्टम करना होगा, डेकोरेशन वगैरह करनी है। बाकी हमारा पूरा घर रेडी हो चुका है। यहाँ पे भी ऐसे, इधर भी यूँ। यहाँ पे बस आखिरी के रे भाई प्लैंक्स ख़त्म हो गए। अब क्या करूँ, आई गैस अभी मुझे वेट करना ही पड़ेगा सुबह होने का, क्योंकि मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता। रात में बाहर निकल मर जाऊँगा, सामान डिस्पोन हो जाएगा। मैं भाई सामान बार बार डिस्पोन नहीं करवाना है, अभी वेट ही करता हूँ, और कर भी क्या सकता हूँ। 2000 years later फाइनली सुबह हो चुकी है। आई गैस ये सनराइज है, पूरा डे नहीं हुआ। हाँ ये सनराइज है भाई। सारे स्केलेटन क्रीपर ज़ॉम्बी सब घूम रहे हैं यहाँ पे। क्या करूँ, एक काम करता हूँ जल्दी से गाइस, मैं निकल के काफ़ी और वो लेके आता हूँ प्लैंक्स, क्योंकि कमी पड़नी है। स्क्रीपर इधर आया, स्क्रीपर को मैं नहीं छोड़ने वाला। इधर आ क्रीपर। यार ये क्यों फटता क्यों है यार, इस क्रीपर को किस बात का दुश्मनी होती है जो हर बात पे हमसे मिलते और फट जाता है। अभी छोड़ो यार जल्दी से गाइस, मैं यहाँ से प्लैंक्स वगैरह निकाल लॉग निकालता हूँ जिससे प्लैंक्स बनेंगे। 4 लॉग हो गई, रखो भाई। अभी इसको मैं यहाँ पे फिल कर दूँ खड्डा, इसने सारी लुक ख़राब कर दी यार, लुक सारी मेरी। अभी ये भी ग्रास में बदल जाए आई होप। ये सैंड वगैरह कुछ फेंकी है इसने, ये मैं उठा लेता हूँ। ये भी सारा मैं जल्दी से फिल कर दूँ, क्योंकि और भाई कितना इनका पूरा झुंड है क्रीपर। तो छोड़ूंगा नहीं, हर बात पे आके भाई दो फट रहे भाई। फटना ही होता है क्या, इनकी ज़िंदगी का मकसद क्या है। ये भी फटा भाई, 3 हार्ट हूँ, वो भी एक गया भाई, मेरा एक हार्ट जाने वाला है, हाफ हार्ट है। यहाँ पे भी अभी मैं जल्दी से सारा यार पूरा लुक ख़राब कर दिया है। उन्होंने इतना अच्छा लग रहा था ना, अभी सारा यहाँ पे पत्नी सैंड के अंदर भाई डर्ट आ गई, कैसा अजीब सा लगेगा। कोई बात नहीं, इसको मैं बाद में फिर सही से सेट कर दूँगा, अभी सही नहीं, अच्छा नहीं लग रहा है ना। और अभी ये मैं सारा तोड़ देता हूँ, ये जो मैंने डर्ट से अपने घर को पूरा सील कर दिया था भाई। क्या करें यार, ऐसे करना ही पड़ता है भाई। वो नए ज़ॉम्बी वगैरह आ जाते हैं, मार देते हैं, और क्या, फिर से सारा आना पड़ता है घूम फिर के। ये लो भाई शोवल ही टूट गया मेरा, हाथ ही तोड़ दूँगा, कोई बात नहीं। ये भी रह गया भाई, ये टूट जा भाई, टूट गया फाइनली। छत पे अभी ये कंप्लीट हो चुकी है फाइनली गाइस, फाइनली हमारी ये पूरा कंप्लीट हो चुका है 50% हाउस। और अभी मुझे चाहिए होगा खाना, नहीं खाने की ज़रूरत नहीं है, खाना तो अभी पड़ा हुआ है हमारे पास। हंगर बार हमारा अभी सही है, चल जाएगा। और अभी मुझे क्या चाहिए होगा, आई गेस मुझे ना अभी क्या नाम है, खाना पक्को कर लेना चाहिए। ये ऊपर गलत लग गया था, इसको मैं तोड़ देता हूँ। और खाना कुक करने के लिए क्राफ्टिंग टेबल लगाना पड़ेगा, और क्राफ्टिंग टेबल के बाद फर्नेस में क्राफ्ट करना पड़ेगा, बन जाएगा आइटम हाँ यहाँ पे था। फर्नेस बनाने के लिए कितना कोबलस्टोन चाहिए, जितना भी चाहिए। फिलहाल के लिए डोर्स बना लेते हैं गाइस, कोबलस्टोन को छोड़ो, जो आप फर्नेस को छोड़ो। ये बन गया हमारा डोर घर के, और अब फर्नेस बनाते हैं। कोबलस्टोन मेरे पास पहले ही पड़ा हुआ था, यहाँ पे लगा लेते हैं, इधर सही लगेगा। और क्या चाहिए था, ये क्या है, चेस्ट। अच्छा शायद ये पेटी वगैरह है जिसमें सामान अपना आएगा, हम रख सकते हैं। 2 बना लेता हूँ, ज़्यादा नहीं भाई, क्या पता कोई और यूज़ हो जाए। ये चेस्ट हो गया, और फर्नेस ये रहा मेरे पास, और लगाया हाँ यहाँ पे लगता है। अच्छा भाई मैं डर गया, लगेगा नहीं भाई, मेरे पास खाना ही नहीं है, मैं मज़े से फर्नेस बना के बैठूँगा भाई। मेरे पास खाना होगा, मैं आराम से कुक कर लूँगा और खा लूँगा, खाना हो भाई तभी कुक करूँगा। भाई कितना क्यूट सा है, हेलो भाई, अभी तोता है ये, तोता भाई क्या हाल है, ठीक है। कितना क्यूट है यार, इसको मैं टेम नहीं कर सकता, नहीं यार मेरे पास कुछ भी नहीं है इसको टेम करने के लिए, और पता भी नहीं है कि होते हैं टेम या नहीं। कितना क्यूट सा था। सो गाइस फ़िलहाल के लिए ना
यार ये ब्रिज ने मेरे को बड़ा बेड़ा, क्या बोलते हैं यार इसको, ये पानी ने गाइस यहाँ पे ना, मैं पीछे ब्रिज बनाऊँगा, बार बार पानी से होके आना होता है, स्पीड स्लो हो जाती है ऊपर से, और मेरा हंगर भर गया भाई, गया मेरे पास खाना ख़त्म है, और क्या करूँ, क्या खाऊँ मैं, इसको खा लूँ, नहीं भाई इसको नहीं दो फिर क्या लगेगा खाने में, क्या करूँ भाई मैं, लाइटनिंग भाई भागो 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 भाई, ये रिवेंज लेने आ रहा है मुझसे कि मैंने उसको वहाँ पे ये वुड माइन कर रहा था दरख्त के नीचे, इसका मैंने मार दिया भाई, ये पूरा डायमंड का आर्मर बन गया इसका भाई, सब शील्ड सब कुछ है इसके पास, तो मैं तो अभी तक नंगा घूम रहा हूँ, वही बात भाई मेरा सामान ये ना, फाइनली गाइस मैंने सारा सामान ले लिया, थैंक गॉड इसने मेरा कुछ भी सामान नहीं उठाया, और ये यहाँ पे थोड़े बहुत काऊ वगैरह स्पॉन हो गए, इनको मैं मार लूँ, और मुर्गी कहाँ भागेगी, ये भी मर गया भाई फाइनली, कितना भी खाने के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ हो ही गया, इतना काफ़ी है गैस, नहीं और थोड़ा और शिकार कर लेते हैं, मैं शिकारी हंटर बने हुए हम लोग, यार मेरा सारा सामान शुकर इसने बस नहीं लिया थैंक गॉड, वरना भाई बड़ा मसला हो जाता है, भाई कितनी सारी काऊ है यहाँ पे, तीन इंद रहा भैया सॉरी का, उसमें जो तुम्हें मारना पड़ रहा है, क्योंकि भाई मुझे खाना है, खाने के लिए तो यार मैं क्या करूँ, कोई मुर्गा भी नहीं आ रहा है, मैं मुर्गा आ गया हाथ में, काम भाग रहा है, मर गया ये भी फाइनली, काओ सॉरी मुर्गी सॉरी काओ भाई साहब, कितना हो गया मेरे पास, ये कहाँ से आया, एक सेकेंड अच्छा चिकन है ये तो, एक और काओ वेट, ये आयरन की स्वॉर्ड मेरे पास कहाँ से, मैंने तो नहीं बनाई थी, नहीं क्राफ्ट की थी, नहीं यार ये मेरी नहीं है, ये पक्का लाइटनिंग ने मेरे लिए रखी होगी भाई, इतने अच्छा दोस्त भाई, रख दो यार गोल्ड छोड़ो मैं नहीं ले सकता अभी, मैंने भाई रुक के अपना नहीं लेना है, लाइटनिंग को बोल दूँगा आके अपना ले जाए, क्योंकि भाई उसके पास तो पूरा वो तो रेडी है भाई, आयरन का आर्मर डायमंड का आर्मर उसके पास सब कुछ है, सॉरी काउस, और हम नंगे हैं, तो अभी इसलिए मुझे जल्दी से अपना घर बनाना पड़ेगा और खाना खाना पड़ेगा, मैं कैसे यार, ये देखो यार मुझे यहाँ पे ब्रिज बनाना पड़ेगा, कितना मसला हो रहा है, देखो कैसे डूब कितना स्लो चल रहा हूँ, ब्रिज होगा आसानी होगी, और भाई खाना खाऊँ भी नहीं ना, क्योंकि अगर ज़्यादा मैंने ऐसी रॉ खा लिया तो फिर ज़्यादा हंगर वर बढ़ेगा नहीं, इसलिए कुक करके खाऊंगा, आ गया फाइनली भाई हमारा घर, मैं बस शेप इसकी थोड़ी सही है, नाइस यार अच्छा ही लग रहा है घर, और जल्दी से चलता हूँ, काफ़ी ज़्यादा इसमें, वेट ये कौन थे बाहर, ये कौन है, पांडा है ये, कितना क्यूट पांडा है, अबे सॉरी भाई गलती से मार दिया, हिलो भाई मारता है पांडा, मैंने खुद देखा भाई इसने मुझे डैमेज किया, भी पांडा भी मारते हैं भाई, पांडा बड़ा ख़राब है, और क्या कुक करना था, रॉ बीफ ये कुक होने लग गया, और ये सैंड कहाँ से आ रही है, चिकन डालूँ, चिकन फिलहाल के लिए कर लेता हूँ, बीफ ऑन तो चिकन डाल देता हूँ, ओके कुक बीफ, फाइनली गैस खाने का हमारा जुगाड़ हो चुका है, और मैंने क्या नाम है कहाँ गया, ये सैंड डाल दिया भाई मैंने, चिकन सैंड कुछ बन रहा है, ग्लास मैंने ये तो सुना है, ग्लास तो होते हैं माइनक्राफ्ट में पर ऐसे बनते हैं, नाइस भाई कोई ना कुछ नई मुझे रेसिपी पता चल गई, इसको प्लेस कर देता हूँ, खिड़की बन जाएगी, नाइस यार अच्छा हो गया, और सैंड रखते हैं इसमें, हम एक काम करते हैं खाना अपना कुक कर लेते हैं, अभी जल्दी से मेरा खाना वगैरह, इसमें थोड़ी प्लैंक्स डाल देता हूँ, ओके भी जल्दी से मेरा खाना कुक हो तब जाके मैं चेस्ट, हाँ ये देखो चेस्ट है भाई, ये सही समझा था मैं, तो अब इसमें सारा अपना सामान वगैरह डाल दूँ, फिर जल्दी से खाना कुक होता है, और ग्लास पर मैं लगाऊँगा, अच्छे लगेंगे डेकोरेशन के लिए, ओके गाइस तो फाइनली 5 ग्लास हमारे यहाँ पर बन चुके हैं, रेडी हो चुके हैं, अब यहाँ पे मैंने ये जो हमारा पीछे का बैक यार्ड का जो मैंने सोचा था मैंने एक आइडिया क्लोज कर दिया, और खाना कुक हो चुका है, क्योंकि गाइस मैंने ग्लास का मैंने देखा ना भाई ग्लास बन सकता है, तो मतलब ग्लास ज़्यादा अच्छा लगेगा उसके उसके हिसाब से, तो
और अभी मेरे पास काफ़ी सारा सामान सारा मेरे इसमें पड़ा है। और अभी कब तक होगा और ग्लास बन गए इनको यहाँ पे, और ये एक ग्लास बस रह गया यार, जल्दी बन जाए। इसमें कुछ नहीं है, ग्लास बन जाए, बन गया एक ग्लास, फाइनली भाई बन चुका है फाइनली यार। अपना पूरा घर रेडी हो चुका है, 90% अवर हाउस इज रेडी गाइस। नाउ गाइस मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मैं कोई काम करना भूल भाई, मैं अभी वहाँ पे टॉर्च बनाना भूल गया भाई, रात होगी, मैं मुझे जल्दी पहुँचना पड़ेगा यार, जल्दी जाके मैं कोल लेके आऊँ भाई, वरना बहुत बड़ा मसला हो जाएगा पूरी रात पर अंधेरे में। गाइस जल्दी जाके यहाँ पे मैंने केव्स में कोल मिलता था, मैंने देखा पर मैं लाया नहीं, क्या बुद्धू यार मैं, क्रीपर भाई छोड़ दो, आज मुझे किसी से लड़ना है। आ क्रीपर लड़ने है, तूने आ जा भाई, आ जा क्रीपर, ये क्या दिया भाई, जो भी दिया है इसने छोड़ो भाई, स्केलेटन यार छोड़ दे मुझे भाई, छोड़ दे स्केलेटन, तूने बारिश भाई सब एक साथ ही होना होता है क्या, मॉब्स आ गए, बारिश स्टार्ट, सब कुछ एक साथ ही। तो फाइनली अभी मैं पहुँचने वाला हूँ येरी केव, आई होप इसमें कोल हो, नहीं है इसमें कोल, नहीं है, दूसरी वाली केव में चलता हूँ मैं, क्रीपर सब ये रहा, कोल मिल गया, माइन करो भाई, क्यों भाई ज़्यादा वाला है, फाइनली भाई ज़्यादा मिला है ज़्यादा। और ये भी रह गए भाई, बस इतने काफ़ी हैं, 10 ले लूँगा बस, काफ़ी है। चलो भाई निकलो अब यहाँ से भाई, कोई हमें लफड़ा चाहिए नहीं इनका, निकलो स्केलेटन भाई, मैं यार जाऊँ जल्दी भाई, स्केलेटन छोड़ दे इस स्केलेटन को, तो भाई अभी मैं लड़ने का टाइम नहीं है, हेल्थ वेल्थ कुछ नहीं है मेरे पास, ऊपर से अंगर भी गिर गया, खाना खा लूँ पहले भाई, स्पाइडर तैर रही है भाई पानी में, व्हाट द हेल भाई, चलो छोड़ो भाई, हमने कोई मतलब नहीं, ना स्पाइडर ना स्केलेटन ना जॉम्बी, किसी से कुछ भी मतलब नहीं है, बस हमें सीधा निकलना है भाई, घर पहुँचना है, हमने अपनी टॉर्च बना के लगानी है बस, सिंपल भाई। क्रीपर इधर है, इस क्रीपर को तो नहीं छोड़ूंगा मैं, कुछ भी नहीं दिया। और ये भी बस होने वाला है भाई, पहुंच गया फाइनली घर पे, करेगा भाई मेरा घर हो ये रहा, तो बस फाइनली घर पहुंचने वालों में, ये मेरा घर भी आ गया फाइनली गाइस, फाइनली बंद करो भाई दरवाज़ा, बंद करो, एरी टॉर्च स्टिक चाहिए, स्टिक इसमें रखी थी मैंने क्या, और बना लेते, छोड़ो रखी हुई है पहली, और टॉर्च बन गई, इतनी काफ़ी है भाई, कितनी बन गई है तो 10 होल से, इधर लगा लेते हैं 2 टॉर्च, बाहर भी लगा लेते हैं क्या भाई, मैंने सुना है जहाँ तक के ज़्यादा जिधर लाइट टॉर्च होती है, जिधर लाइट वगैरह होती हैं उधर ज़ॉम्बी मॉब स्पॉन कम होते से नहीं होते हैं, तो इधर एक लगा लेता हूँ, एक इस कोने में लगा लेता हूँ, और एक इधर मेन लगा लूँगा, और एक इधर, और बस इतने काफ़ी है बस भाई, चलो वो भी अंदर। फाइनली गाइस हमारा जो घर है वो 100% रेडी हो गया भाई, ज़ॉम्बी से भाव चाहिए नहीं, अच्छी खासी 9 ग्लास और बन गया है, खाना कुक हो गया है, थोड़ा सा और प्लैंक्स डाल दूँ बस गाइस, फाइनली हमारा पूरा घर कंप्लीट हो चुका है, बस हमें थोड़े सा भी चाहिए हो गया बेड वगैरह डेकोरेशन, वो जो कि मैं अगली वीडियो में कर लूँगा। तो गाइस आपको वीडियो में मज़ा आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो का लाइक 5 है भाई, 5 लाइक जल्दी से कंप्लीट करवा देना, मिलते हैं मेरी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।